अस्सलामुअलैकुम, सज एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद साजिद। शामिल करते हैं इस वक्त की हेडलाइन। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद ने सियासी जमातों की अस्करी तंजीमें ख़त्म करने का ऐलान किया है और जो NGO सियासत में मुलव्वस पाई गई इनके खिलाफ नोटिस दिया जा रहा है। लाहौर में रेस्क्यू 1122 के अहलकारों की पासिंग आउट परेड के मौके पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार की मामले खसूसी फिरदोस आशिक अमान ने रेस्क्यू ट्रेनिंग सेंटर में मोटरसाइकिल चलाई। मोटरसाइकिल चलाने में रेस्क्यू अहलकारों ने फिरदोस आशिक अमान की मदद की। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर रमीज राजा अब शादीशुदा क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, जिसका ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए किया। साल 2021 में 2 सूरज और 2 चांद ग्रहण होंगे, तहम पाकिस्तान में इस साल के चांद और सूरज ग्रहण दिखाई नहीं देंगे। वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने जिला कुल्लू में मंदिर दोबारा तमीर कराने का ऐलान कर दिया। अपने एक बयान में सूबाई वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि हुकूमत मंदिर की दोबारा तमीर को जल्द यकीनी बनाएगी। मंदिर की दोबारा तमीर मुतलका हुकाम को अहकाम जारी किए गए। तर्जमान दफ्तर खारजा जायद हफीज चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान में कैद 319 भारतीय कैदियों की फुर्सत भारतीय हाई कमीशन के सुपुर्द कर दी गई। 319 भारतीय कैदियों में 49 आम शहरी और 270 माहिगीर शामिल हैं। जायद हफीज चौधरी ने बताया कि भारत में कैद 340 पाकिस्तानी कैदियों की फुर्सत भी पाकिस्तानी हाई कमीशन को दे दी गई। दफ्तर खारजा ने बताया कि भारत में कैद पाकिस्तानियों में 263 आम शहरी और 77 माहिगीर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कैदियों की फुर्सत के तबादले पर 21 मई 2008 को मुआहदा तय पाया था। साल में 2 मरतबा 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की फुर्सतों का तबादला होता है। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB एहसान मानी ने मोहम्मद आमिर और समी असलम की जानब से इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के फैसले पर अफसोस का इजहार किया। नाजरीन, ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com पर विजिट करें।